गणेश उत्सव और नेत्रदान पखवाड़ा के बीच राजधानी रायपुर में श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल ने मानव श्रृंखला बनाकर आमजन को नेत्रदान का संदेश देने की कोशिश की है। हॉस्पिटल ने ग्रेसियस कॉलेज के नर्सिंग छात्रों के साथ धमतरी रोड से गुडविल अस्पताल टिकरापारा तक मानव श्रृंखला बनाई। इसके साथ ही बता दें कि इसमें पूर्व महापौर प्रमोद दुबे और नगर निगम रायपुर के वर्तमान अध्यक्ष भी शामिल हुए। उनके अलावा एएसपी रायपुर, उप निदेशक और राज्य नोडल अधिकारी, विधायक चिरमिरी समेत श्री गणेश और विनायक आई हॉस्पिटल के निदेशक भी उपस्थित रहे थे। हॉस्पिटल के निदेशक प्रसिद्ध नेत्र सर्जन डॉक्टर अनिल के गुप्ता ने बताया कि गणेश उत्सव के 11 दिनों के दौरान नेत्रदान के माध्यम से हम प्रत्येक भारतीय के लिए गुणवत्ता पूर्वक नेत्र देखभाल सुनिश्चित करना चाहते हैं और दान की गई आंखें और कार्नियल प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे संभावित प्राप्तकर्ताओं के बीच की खाई को पाटना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि फॉर्म अस्पताल में उपलब्ध है, जो इच्छुक हैं वो फॉर्म भर सकते हैं।